मुसलसल 15 साल एक बाप अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता रहा, उस बच्ची के लिए हर रात अजियत तकलीफ थी जबकि हर दिन शर्मिंदगी था। और इसी बेटी के बतन से इस बाप की दो औलादें पैदा हो गई, दो बच्चे पैदा हो गए जो अब परवान चढ़ चुके हैं। इस बच्ची के साथ पहली बार जब जिंसी दरिंदगी की गई थी उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल थी। चूंकि इस बच्ची की मां इस शख्स की मोहब्बत में पागल थी और उस मोहब्बत के चक्कर में इसको कुछ नजर नहीं आता था, और अब जब ये मामला रिपोर्ट हो रहा है तो उस बच्ची की उम्र 23 वर्ष हो चुकी है, यानी मुसलसल 15 साल इसने अपने बाप की अजियत तकलीफ और जिस्मानी जिंसी तशद्दुद को हर चौथी रात हर चौथे दिन देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। अमूमी तौर पर इस किस्म के वाकयात हैपनिंग्स आपके सामने रखते हुए एक लम्हे के लिए हमें सोचना पड़ता है, अपने अल्फाज को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अपने बिखरे हुए ख्यालात को एक स्ट्रीम लाइन में लाना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि ये चीजें रिपोर्ट हों, लेकिन वहीं हम ये भी नहीं चाहते कि इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया जाए कि बाप का रिश्ता, मां का रिश्ता, बहन बेटी का रिश्ता बहुत मुकद्दस है, तकद्दस मांगता है। तो अगर हम इन तमाम चीजों को लेट इट गो कर देंगे तो ना जाने कितनी बेटियां अजियत का शिकार होती रहेंगी। कराची पाकिस्तान का दिल, यह स्टोरी वहां से रिपोर्ट होती है। बच्ची का नाम मैं जाती तौर पर नहीं ले रहा, अगर बाकी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया होता तो और बात थी, लेकिन होता कुछ यूं है कि इस बच्ची के बकौल ये अपनी खाला के पास मौजूद है इस वक्त। मां इस शख्स की मोहब्बत में पागल है। होता कुछ यूं है कि एक खातून जो कि एक नाचाकी के बाद अपने खावंद से अलहदगी अख्तियार करती है, अलहदगी अख्तियार करती है तो इसके बच्चे होते हैं, ये बेटियों को अपने पास रख लेती है। एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होती है और वो शख्स मोहब्बत में, जब उसके साथ खातून मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी होती है तो वो शख्स बेसिकली एक जिंसी दरिंदा, एक जिंसी भेड़िया निकलता है। जब बच्ची इसके पास आती है, इसकी सौतेली बेटी, तो उसकी उम्र 8 वर्ष होती है। इब्तदाई अयाम में वो शख्स अपनी इस सौतेली बेटी पर नजर टिका लेता है और इवेंचुअली वो उसको अपने बिस्तर का हिस्सा बना लेता है। बच्ची की मां को बहुत अर्ली इस अमर का पता चल गया, बच्ची की शिकायत की सूरत में, कि मेरा खामंद मेरी बेटी के साथ जिस्मानी दरिंदगी करता है, उसको अजियत का निशाना बनाता है। इवेंचुअली मां ने बच्ची का मुंह बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि एक घर टूट चुका, अगर यहां भी कुछ ऐसा हो गया तो मैं कहां जाऊंगी इस बच्ची को लेकर। बच्ची सहती रही, बच्ची बर्दाश्त करती रही, यहां तक कि बच्ची को 15 वर्ष गुजर गए। आप इमेजिन करें कि इस रजील और खबीस बदबख्त इंसान के निकाह में बच्ची की मां है, लेकिन इसके बदबख्ती के साथ ये बताना पड़ता है कि इसके बिस्तर में मां और बेटी दोनों पाए जाते थे। मां अपनी चाहत और मोहब्बत के साथ, बेटी दूसरा रास्ता ना होने की वजह से इस अजियत को बर्दाश्त करती रही। इवेंचुअली होता यूं है जी कि एक रोज पता चलता है कि बेटी हमला हो गई है, बेटी हमल के साथ है। मां क्या करती है? मां इस कहानी को बिल्कुल दुबाती है, बेटी को मंजर से गायब करती है और मंजर से गायब करने के बाद अपनी ही बेटी के पेट से, उसके जिस्म से अपने ही खावंद का बेटा जन्माती है और बेटी को इस जिम में डरा देती है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हम रुल जाएंगे। वो बच्चा जन्म लेता है, जब मुआशरा पूछता है तो बताते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है। इवेंचुअली इसी तरह जब दूसरा हमल ठहर जाता है, दूसरी दफा अपनी ही मां के घर में अपने ही सुतेले बाप से ये बच्ची प्रेग्नेंट होती है, तो बदकिस्मती के साथ मां फिर बच्ची को छुपा देती है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो मोहल्ले में उस वक्त अजीजो कारिब और कुछ ख्वातीन, यहां तक कि इस खातून की अपनी बहन यानी इस बच्ची 23 साल बच्ची की खाला अपनी बहन से पूछती है कि तुम तो प्रेग्नेंट नहीं थी,
तुम तो हमल से नहीं थी, तो ये बच्चा कहां से आ गया? तो वो बताती है कि मेरे खामन की एक और बीवी भी है जिसको उसने एक और मकाम पर अलहदा रखा हुआ है, इनकी लड़ाई हुई है, वो अपना बच्चा यहां फेंक कर चली गई है। तो ये दरअसल मेरा सोतेला बेटा है, लेकिन दर हकीकत वो इसी बदबख्त औरत की बेटी के जिस्म से पैदा होने वाला बच्चा था, जो इसी के खामन का यानी उस बच्ची के सुतेले बाप की नाजायज औलाद थी। सो मुझे नहीं समझ आती, और अब करंट सिचुएशन ये बता देता हूं कि वो बच्ची अपनी खाला के पास है और उसकी मां, बाप अरेस्ट हो चुका है, बाप गिरफ्तार हो गए हमारी इतलात के मुताबिक, लेकिन वो मां 80 गज के एक मकान के चक्कर में अपने खावंद के घर बैठी है, उसी घर बैठी है जिसमें 15 साल उसकी बेटी जो है वो रोजाना हर रात अजियत और तकलीफ में काटती थी, हर दिन नापाकी और शर्मिंदगी में गुजारती थी। लेकिन वो उस 80 गज के घर को बचाने के लिए वो खुलकर अपने बेटी के साथ नहीं कानूनी मामलात में खड़ी हो पा रही। वो ये कहती है, बेटी ने खुद बताया कि मेरी मां कहती है कि अगर मैं खुलकर आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले ये कहेंगे कि तुमने हमारे खामंद को, हमारे भाई को गिरफ्तार करवा दिए, तो अब निकलो इस घर से, मेरी मजबूरी है, कानूनी जंग तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और मैं यहां बैठी हूं। और बड़ा गलत किया मेरे खामंद ने बड़ा जुल्म किया है। सो मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसी माएं भी इस मुआशरे में हैं, लेकिन हैं। दस्तबस्ता दरखास्त, मैं एक दौर हुआ करता था, ये कहता था कि मां बाप ये जिम्मेदारी अदा करें कि अपने बच्चों पर नजर रखें, कभी बच्चे को तकलीफ हो तो उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएं। फिर एक वक्त आया कि आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने वीलॉग में यह बात की और अपने प्रोग्राम में भी यह बात की कि खुदारा माएं अपने खामदों पर भी नजरें रखें, दूसरी शादी की या नहीं की, क्योंकि ना जाने अब क्या चल निकला। तो अब मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि हर फूफी, मासी, ताई, चाची भी अपने भाइयों और बहनों के घरों पर, उनके बच्चों पर नजर रखें कि कहीं किसी घर में कोई बच्चा ऐसी अजियत का शिकार तो नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके लिए आसानी का रास्ता पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ना जाने कौन क्या कर दे, ये बच्ची अपने पेट से, अपने जिस्म से अपने ही बाप के दो बच्चे जन चुकी है, और मां के इल्म में था। मुझे नहीं पता मैं इस मां के बारे में क्या कहूं, इस बाप के बारे में क्या कहूं, यह बच्ची 15 साल का अजियत भरा सफर तय करने के बाद आज मीडिया पर आकर बात कर रही है। 15 साल हर रात इसके लिए अजियत थी, हर दिन यह सर झुकाकर चलती थी, जिस मां से यह मदद मांगती थी वो अपनी महरूमी और मोहताजियों के रोने रो रही थी, वो ये समझ रही थी मैं लुटी गई, मैं मारी गई, मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, अगर ये मेरी बच्ची बोल पड़ी और इसने इस खबीस मेरे खामंद के बच्चे को जन्म ना दिया तो मेरे सर से छत छिन जाएगी। जब आपका फैमिली बॉन्ड कमजोर हो जाता है, एक खातून को ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है, और उसका सामना किसी रजील, खबीस, बदबख्त इंसान से हो गया, तो ना जाने वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज कर देती है। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, हर खानदान को पाक, मुकद्दस, मोतबर रखे, और हर बच्चे, बहन, बेटी और खामंद की तकरीम को सलामत रखे। कमेंट सेक्शन आपके पास है, मुझे नहीं पता कि इसकी एंडिंग रिमार्क्स मैंने क्या देने हैं, बहरहाल हम शर्मिंदा हैं। अस्सलामुअलैकुम।